अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता करी। सबसे पहले हमने एक पैन को गर्म करना है, उसके अंदर हाफ कप ऑफ ऑयल ऐड करना है, उसे हमने इतना अच्छे से कुक करना है, हीट करना है। फिर हमने दो मीडियम साइज की प्याज यहाँ पे ऐड करनी है ग्राइंड करके, और इसे अच्छे से कुक करना है कि अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसे अच्छे से सॉटे करना है, इतना कि जो है अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है, एक अच्छापन होता है, वो दूर हो जाए। अब इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी जिसे कहते हैं, गरम मसाला पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे, इतना कुक करेंगे कि ऑयल जो है वो मसाले में भुन कर सेपरेट हो जाए। अब इसको मिक्स साथ साथ करते जाएंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम एक कप दही और एक कप टमाटर को जो है हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डालकर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़े से मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे और कुक करेंगे थोड़ी सी देर, अबाउट 2 to 3 मिनट्स। देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे हसब ज़रूरत, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। पानी डालने के बाद हमने लिड कवर कर दिया और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हमने पकने रख दिया। अब यहाँ पे हम मीट बॉल्स की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, चॉपर में हमने ऐड करे तमाम इंग्रेडिएंट्स, और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ ग्रेवी के अंदर हमने दो पोटैटोज ऐड करने हैं और उसको अच्छे से मिक्स करना है, कुक करना है लिड को कवर करके। इंग्रेडिएंट्स को चॉपराइज करने के बाद हमने यहाँ पे बैटर को हाफ एन आवर के लिए हमने रेफ्रिजरेटर में रख देना सेट होने के लिए। हाथों को ग्रीस करके हमने जो है मीट बॉल्स रेडी कर लेनी है, और इसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं कि गेस्ट हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल में फ्राई करके आप फ्रीज कर लें किसी भी कंटेनर में रखें। अब हमने लिड को ओपन करना है और यहाँ पे हमने ग्रेवी के अंदर तमाम प्रिपेयर मीट बॉल्स जो है वो ऐड करनी है। इस स्टेज के ऊपर आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। कुकिंग के साथ यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप भी दी है, यू कैन प्रिजर्व इट एज वेल, भी गेस्ट है तो आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमने ग्रेवी के अंदर कोरिएंडर स्प्रिंकल करने हैं और इसके बाद जो है हमने दोनों हैंडल्स को पकड़ के वोक को जो है अच्छे से शेक करना है कि हमारे कोफ्ता जो है वो ब्रेक ना हो। अब यहाँ पे जो है उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देन लिड कवर करेंगे, 15 to 20 मिनट्स कुक करेंगे और सर्व करेंगे।